पृथ्वी पर हजारों वर्षों से जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां विकसित और विलुप्त होती रही है। आज मछलियां समुद्र में तैर रही है, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं और जंतुओं की हजारों प्रजातियां धरती पर घूम रही है। एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इन जानवरों को पाल भी रहे हैं, जैसे कि कुत्ते और यहाँ तक कि बिल्लियां भी अधिक संख्या में पाली जाती है। बिल्लियों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सड़कों में घूमने वाली या घरों में पाली जाने वाली बिल्लियां ही आती है। परंतु क्या आपको पता है कि बिल्लियां कितनी बड़ी हो सकती है? यदि नहीं तो हम आपको बता दें, शेर, चीता और बाघ सभी बिल्लियां ही हैं। इन्हें बिग कैट भी कहा जाता है। ये सभी बिल्लियां हमें जंगल या फिर चिड़ियाघरों में देखने को मिल जाते हैं। परंतु वर्षों पहले एक ऐसी भी बड़ी बिल्ली हुआ करती थी जिसके डर से पूरा जंगल कांपा करता था। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं इस बायलोटॉन की, जिसे सैबरटूथ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सैबरटूथ टाइगर आज के जंगलों में जीवित रह पाते। तो आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। हमारी धरती पर कई ऐसे ताकतवर मनुष्यों और जानवरों ने जन्म लिया है जिन्हें हमने भले ही ना देखा हो पर उनके नाम हमारे मन में छप चुके हैं। ठीक ऐसे ही एक जीव था, प्लाइस्टोसन इपॉक का भय, इस बायलोटॉन। शायद आप में से कई लोग इसे जानते ही होंगे। फिर भी हम आपको बता दें कि इस शिकारी का राज आज से 10,000 साल पहले धरती के विभिन्न हिस्सों में हुआ करता था और ये जिस जगह भी रहते थे पूरा जंगल इसके आगे घुटने टेक ही देता था, क्योंकि एक बड़ा मुंह, बड़ा शरीर, नुकीले पंजे और 8 इंच लंबे कैनाइन दांतों वाले जानवर के सामने कोई भी अपने नजरे उठाने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि सभी जानवरों को पता था कि इस दानव के लंबे दांत एक बार शरीर को चीर कर इसके अंदर चले जाए तब उसको खुद यमराज भी नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि शिकार करने से पहले जब ये शिकारी दहाड़ लगाया करते थे तब इसके दो विशाल कैनाइन दांत को देख कर ही शिकार वही मरने की एक्टिंग करने लगता था। एक विशाल आकार वाला ये प्रजाति वजन में 280 किलोग्राम तक के पाए जाते थे, मगर इसके कुछ सदस्यों का वजन 480 किलोग्राम तक का भी पहुंच जाया करता था। हालांकि कई लोग इन्हें टाइगर के करीबी मान लेते हैं और इसके व्यवहार को भी टाइगर से तुलना कर लेते हैं। जैसा कि आजकल के टाइगर वास्तविकता में तो शेरों से काफी ताकतवर होते हैं, मगर अपने कुछ खामियों की वजह से ये जंगल के राजा नहीं कहलाते, क्योंकि जंगल का राजा तो शेर है। पर प्लाइस्टोसन इपॉक में रहने वाला ये माइलोडॉन ना सिर्फ ताकतवर था बल्कि ये किंग ऑफ द जंगल भी था। एक और जहां टाइगर अकेले शिकार करने के लिए निकलता है, वही इस माइलोडॉन पूरे झुंड सहित शिकार करने के लिए निकला करते थे, ताकि ना तो इनके आँखों से शिकार बच सके और ना ही इन्हें कोई चोट पहुंचाने की गुस्ताखी कर सके। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक बाघ जब शिकार करने के लिए निकलता है तो बिना ज्यादा सोचे ही ये शिकार पर टूट पड़ता है, पर कई बार शिकार बाघ के बिना योजना बनाए गए झड़प से खुद को बचा लेता है, मगर इस माइलोडॉन ऐसी भूल कभी नहीं करते थे। ये योजना बनाने में किसी शेरों की तरह ही थे, वही ताकत और साहस में ये किसी बाघों से भी आगे थे। इसलिए चाहे सामने कोई भी हो, इस माइलोडॉन का पूरा दल उसे घेर कर उसका शिकार कर ही लिया करता था। यहाँ तक कि टीरेक्स के समान विशाल और भारी मैमथ भी खुद को इस माइलोडॉन के हमले से नहीं बचा पाते थे। तो आइए अब इस बात पे हम चर्चा करते हैं कि क्या इस माइलोडॉन आज के समय में अपना जीवन बिता पाते। आप कहेंगे कि आज के समय में इस माइलोडॉन को बड़ी बिल्लियों की सबसे ताकतवर प्रजाति माना जाता, मगर दोस्तों बिग कैट उन्हें कहा जाता है जो पैंथरा जीनस से संबंध रखते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर, चीता, ये सभी पैंथरा जीनस से संबंधित है। मगर वही दूसरी तरफ सैबरटूथ टाइगर इस माइलोडॉन के जीनस से संबंध रखता है, यानी कि इन्हें हम बिग कैट नहीं कह सकते। यदि इस माइलोडॉन आज के जंगलों में रहा करते तब ये शेर और बाघ तक को भी अपना भोजन बना लेते। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।